सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यूके मुकम्मल फतह के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले हैं। आज आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक उनकी रियल लाइफ के बारे में बताऊंगा। कैसे कैसे उन्होंने तालीम हासिल की, किस तरह वो मशक्क़त मेहनत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बने, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी अम्मी की वजह से शौकत खानम नाम से एक हस्पताल बनाया, किस तरह उन्होंने मेहनत के साथ दिल लगी के साथ पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचा और उनके लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए वो निकले, किस तरह उन्होंने मेहनत की, किस तरह वो अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़कर पाकिस्तानी अवाम के लिए आज कंटेनर्स पर सो रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 में पैदा हुए, लेकिन उनके स्कूल में उनकी तारीख पैदाइश 25 नवंबर 1952 दर्ज है। इमरान खान नियाज़ी के वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान नियाज़ी है जबकि उनकी वालदा का नाम शौकत खानम है। इमरान खान की चार बहनें, एक बहन रुबीना उनसे 2 साल बड़ी है जबकि 3 बहनें अलीमा नूरीन उस्मा उनसे छोटी हैं। इमरान खान नियाज़ी लाहौर के पोश इलाके जमान इलाके में पैदा हुए। इकरामुल्लाह नियाज़ी पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे, एक सरकारी मुलाजम थे। वो पश्तूनों के नियाज़ी कबीला से ताल्लुक़ रखते। नियाज़ी कबीला 15वीं सदी में अफगान फातहीन के साथ बरसगीर आया और उनकी अक्सरियत मियाँ वाली में आबाद हुई जो दरियाए सिंध के किनारे वाक़ है। नियाज़ी हमेशा इकट्ठे रहते हैं और दूर दराज के रिश्तेदार भी एक दूसरे के करीब ही होते हैं, उनका आपस में ताल्लुक हमेशा मजबूत रहता है। इमरान खान कहते हैं कि मैं कितने ही अजनबी नियाज़ियों से मिलता हूँ, उंगलियों पर हिसाब लगाकर वो मुझे बता देते हैं कि तुम्हारे दादा के परदादा से हमारे ख़ानदान का ताल्लुक किस तरह बनता है। देहात में ख़ानदानी रिश्ते शहरों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। मियाँ वाली में ख़ानदान इस तरह नहीं होते जैसे कराची और लाहौर ऐसे शहरों में, बल्कि 100-150 अफराद पर मुश्तमिल एक कुनबा, एक दादा या परदादा की सारी औलाद को एक ही घराना तस्लीम किया जाता है। सब कुछ सांझा, सब कुछ मुश्तरक, आमदन, जिम्मेदारियाँ, दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ, मुश्किलात और कामयाबियाँ। जब वो गाँव से नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो वो शहर अपने रिश्तेदारों के घर ही आबाद रहते हैं। इमरान खान सराइकी बोलने वाले दादा अजीम खान नियाज़ी 1885 में पैदा हुए। 20 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो अपनी तालीमी अहलियत मनवा चुके थे। वो नहायत सादा ज़िंदगी बसर करने वाले इंसान थे और उन्होंने कभी ऐशो इशरत का ज़ौक खुद पे पैदा नहीं किया था। आज हमारे सामने उन्हीं की औलाद इमरान खान नियाज़ी, जो कि हम खबरों में सुन रहे हैं कि नहायत ही सादा, नहायत ही खुश अखलाक इंसान है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल से ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।